सभी का स्वागत और बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जी एक बार फिर और एक नया टॉपिक, एक नई बीमारी लेके जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है टाइफाइड। टाइफाइड अक्सर बच्चों में बहुत बार देखा जाता है। इसके क्या कारण है, क्यों आती है ये बीमारी हमारे अंदर और हमारे चार्ट में हम इस बीमारी को किस तरह से देख सकते हैं। दीपक जी के साथ काम करते करते मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने एक नई तरह से चार्ट देखना सीखा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार दीपक जी आपका और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है टाइफाइड। अब सभी जानते हैं कि ये जो होता है ऐसा बुखार है जो बहुत जनरली छोटे बच्चों में बहुत सामान्य तौर पे होता है। मैंने कई बार बड़े लोगों में भी देखा है, टीनेजर्स में भी देखा और इवन एल्डर्स में भी देखा है जिनको हो जाता है। तो उसके होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो मेरे समझ में आया है उसमें वो रीजन ये है कि जहाँ पे भी कहीं पे ऐसा मतलब खाना खाया गया है जिसे कंटेमिनेटेड फूड कहते हैं या पानी होता है जो खराब होता है, यानी कि ऐसा खाना या पानी पी लेना जो गंदे हाथों के कारण से दूषित हो जाए या हैंडपंप के पानी से बने हुए खाने को आप खा लें, या कुछ ऐसा जहाँ पे यूरिनल के साथ में ही कहीं कोई ऐसी चीज हो जहाँ के साथ में लगे हुए पानी को आप यूज करें जिससे पानी दूषित हो चुका हो उससे बने हुए खाने पे, या जिसने ये खाना बनाया है। जनरली इंडिया में ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि जो रोड साइड वेंडर्स हैं वो बहुत स्वच्छ नहीं है, जो मतलब जो सबसे बड़ी चीज हो गया, क्योंकि बहुत रोगों में संक्रमण जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं वो उस टाइप की चीजें होने की संभावना रहती है। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें बड़े सारे ऑर्गन्स पे में लिवर वगैरह में किडनी हेड पे अपनी और कई चीजों पे ये प्रभाव डालता है। खराब हो जाए बहुत जानलेवा तक बन सकता है, लेकिन अगर इसका समय पे ट्रीटमेंट हो जाए और सही से ट्रीटमेंट हो जाए जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो होने पे व्यक्ति को, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सभी जो होते हैं वो एक दूसरे से हम फैलाते हैं, यानी कि कोई एक इसी टाइप के बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति और प्रॉपरली स्वच्छता का नहीं पालन कर रहा होगा हाँ। उसके कारण से अपने आसपास में जितने भी लोगों के संपर्क में आएगा या वो उसके हाथ से बने हुए किसी पानी के गिलास को पी लेने से, और इवन जो क्या कहते हैं खाना जो वो अगर वो खाने का काम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है तो वो उससे भी वो संक्रमण फैल जाता है। इवन इस समय में किसी को जो स्लाइवा होता है वो भी किसी तरीके से आपके स्लाइवा के साथ टच नहीं होना चाहिए। कई बारी मतलब ये प्रश्न किसी ने कभी किया था कि क्या किस कर सकते हैं ऐसे समय में बच्चे को, जैसे बच्चे को हो, तो मैंने उनको मना करा था कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संक्रमण अगर किसी गलती से आपकी चूक से ऐसा हो गया तो बच्चे को भी हो सकता है। नहीं, आपको पहले लगेगा, फिर आप जहां जहां जिस जिसको आप छूते चले जाओगे, क्योंकि फीमेल अगर घर में वो बीमार हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है। हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान देश है तो लोग जो है आदमी अपना अधिकार समझता है कि मेरे को तो कुछ नहीं करना, जो करना है मेरी बीवी को करना है, वो ही करेगी वो देखेगी, तो ऐसे में वो समस्या आगे भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा हम पहले इस पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें तो ये है कि ये तो 103 104 के यानी हाई फीवर होता है, 104 105 ऐसा फीवर चढ़ता है जो जिसमें हेडेक भी बहुत होता है, अक्सर स्टमक एक भी होता है यानी कि बहुत जोर से पेन पेट में भी दर्द करता है। मैंने अभी पहले जैसे बताया कि लिवर वगैरह पे भी प्रभाव डल सकता है इसका, किडनी पे भी प्रभाव डल सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट सही से ना करा जाए। इंसान में वीकनेस बहुत हो जाती है, कभी कभी वॉमिटिंग फील होती है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का भी होती है या लूज मोशन हो जाती है, मतलब तो पेट की बीमारी से भी पता चल जाता है कि आपका पेट को खराब कर देगा ना, आईबीएस टाइप की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना है क्योंकि बैक्टीरियल है और बैक्टीरिया क्या होता है वो आपके हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देता है हाँ। तो वो जब आपके हेल्दी सेल्स को खाएगा तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है या रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की, एक नेचुरल जो गॉड ने दिया है, वो वीक हो जाएगी तो वो उससे लड़ नहीं पाएगी। तो उसको रोकने के लिए ही जो जो है
डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट में एक ये है और एक साथ में जो है थोड़ा सावधानियां होती हैं, जैसे कि कोई कच्चा भोजन नहीं खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए या बहुत प्योर वाटर जिसे कहते हैं प्रॉपरली प्योर्ड वाटर, कच्चे मतलब कुएं और ऐसी जगह का पानी या हैंडपंप का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उससे बने हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सीवर के साथ कहीं हैंडपंप हो तो उसके उसकी निकासी के साथ जमीन में जो हो रही है कहीं पे लीकेज हुई और वो पानी हैंडपंप के थ्रू बाहर आया तो वो व्यक्ति को भी इफेक्ट डाल देगा। मसल्स की जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, मसल्स जो है उनमें स्टिफनेस या वीकनेस महसूस हो सकती है, पेन कर सकती है इसमें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होती है ब्लोटिंग जैसे फीलिंग हो सकती है, डायरिया नोजिया और वॉमिटिंग होगी, आपकी पूरी बॉडी में फैटीग फील होगा कि बस जैसे टूटी हुई है, कोई हिम्मत ही नहीं है, जान नहीं है उठने और उसमें। बल्कि मैं यहाँ पे ऐसा भी है कि मेरे पास जितने भी ऐसे समस्या लेके कोई आए हैं तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली तो उनको समझाना था वो समझाया, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखते हैं। तो लेकिन मैंने साथ में उनको ये भी बताया, एक तो पानी आपने साफ सा पीना है, पूरी सावधानी रखनी है, कोई कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल गंदे होते हैं उनको छूना भी जो है वो बड़े उससे और डिटोल से धोने हैं और सब अलग कर देने हैं। साथ में ये है कि रेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है और धूप में बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं निकलना किसी कीमत पे भी और एग्जर्शन नहीं करनी होती है। तो ये मैं उनको बता देता हूँ। फीवर हम बात ही कर चुके हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लग रही होती है, तो ऐसे में जूसेस हो गया या कोई तो मतलब ऐसी चीजें जो सुपाच्य हो, यानी कि जो डाइजेशन करने में पेट के ऊपर ज्यादा दबाव ना आए और साफ बिल्कुल प्योर होने चाहिए। और जूसेस में भी मैं बताऊं आपको, मौसमी का जूस बहुत काम करता है, फ्रूट सभी तरीके के फ्रूट्स जिनकी जो होते हैं पाइल होती है उसको ऊपर से हटा के आप खाते हैं ना, वो सभी तरीके के फ्रूट्स जो है वो होते हैं, लेकिन हर चीज की क्वांटिटी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकदम से आप कोशिश ना करें कि बहुत सारा दे दें, ये सोचे कि ज्यादा दे दिया तो फायदा होगा, नहीं नहीं, कभी कभी वो क्योंकि आपका डाइजेस्टिव भी वीक हो चुका होता है तो वो नुकसान कर सकता है। तो इस तरह से बैलेंस करते हुए कोई व्यक्ति चलता है तो वो थोड़ा सा सावधानी से उसको लाभ होता है। अब इसी तरह जब हम एस्ट्रोलॉजी के लिए देखते हैं, देखिए कि हमारा जो सबसे पहला घर जो होता है लगन जिसे कहते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लगन कभी भी किसी कुंडली में अगर वीक है तो वो व्यक्ति को बार बार रोग कोई ना कोई लगता रहेगा, मतलब इवन मौसम बदलाव के कारण से भी हो सकता है, बाहर कोई इन्फेक्शन फैला तो वो पहले पकड़ा जाएगा। कारण है कि उसके अंदर क्षमता कम हो चुकी है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो दूसरा उसी लिए क्योंकि सूर्य जो हमारा है वो हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा कारक ग्रह है, जीवन की सारी संभावनाएं सूर्य के उदय से ही संभव है, अगर सूर्य का उदय बंद हो जाए तो कोई जीवन नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे पूरी सृष्टि को खत्म होने में, जो पृथ्वी है उसके अंदर जीवन की खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो लेकिन सूर्य का आप जब भी देखोगे कि सूर्य और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं जो ये बहुत तेज बुखार के सूचक है, यानी कि जब भी इनका या तो कॉम्बिनेशन बन जाए या ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो या कहीं से भी इनकी दृष्टि संबंध बने या युति हो जाए या कोई भी किसी तरीके से इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता हो तो ये उस सूर्य से जो है उस सूर्य के कारण से ये मंगल और सूर्य की युति से तेज बुखार की संभावना बनती ही बनती है। जब भी होगा तो बहुत तेज वाला होगा, सामान्य बुखार नहीं होगा। और ये वाला जो रोग है ये सामान्यतः 3 दिन के करीब करीब जो है वो बहुत अगर ज्यादा वो नहीं है खराब स्थिति में नहीं है तो 3 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं तो 7 दिन से लेके ये 14 दिन के बीच में ज्यादातर ये बुखार उतर जाता है, और अगर कभी खराब हो जाए तो ये 30 दिन तक भी खींच जाता है। और ये क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में फैलता है तो ये हमारे लिम्फ जो वेसल्स हैं उनके अंदर पहुंच के हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके हमारे लिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को हम अगर जब लाइटली ले लेते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होती है, अदरवाइज तो हम वो हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह से जो इस रोग के लिए सबसे ज्यादा अफ्लेक्टेड प्लैनेट जब
जो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है वो मून है। पानी, पानी। हाँ, मैंने अभी कंटेम्पलेटेड वाटर की बात की थी, तो और कंटेम्पलेटेड फूड, फूड भी हमारा जो पहला कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा ही है। इस पे अगर आप कभी कहोगे तो मैं आपको पूरा ऐसा बढ़िया से एक लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि फूड क्यों चंद्रमा के उसमें आता है अधिकार क्षेत्र। और जो वाटरी साइन है, क्योंकि वाटरी साइन वो इम्यून सिस्टम के सबसे वीक वाले साइन होते हैं, सबसे ज्यादा हेल्दी इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे अग्नि तत्व राशियों में होता है, यानी कि जो फायरी साइंस होते हैं वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, और वाटरी साइंस जो होते हैं और वाटरी हाउसेस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा वीक होते हैं। और स्कॉर्पियो साइन जो है हमारा, यानी कि वृश्चिक राशि, ये हमारे गंदे पानी को इंडिकेट करती है, यानी कि जो मल युक्त पानी होता है, यानी कि कंटेम्पलेटेड वाटर है या कंटेम्पलेटेड जो भी चीजें होती हैं जो खराब हो चुकी होती हैं, उन सब चीजों को सूचित करने में बहुत बड़ा रोल वृश्चिक राशि का है, क्योंकि ये जलीय राशि है, लेकिन ये स्थान ऐसा आ जाता है जो गंदी गंदा जो सब तरफ से इकट्ठा होकर पानी आता है तो उसको कहते हैं ये वहां के लिए। अब देखिए सेकेंड हाउस जो होता है वो हम क्या खाएंगे और कैसा खाएंगे। एक तो हमारे सेकेंड हाउस की जो है अपना लॉर्ड और उसकी स्थिति बताती है, और उसको जो ग्रहों की दृष्टि है वो हमें बताती है कि डिस्पोजिटर ये हमारे लिए तय करते हैं कि हम क्या खाएंगे और कैसा खाएंगे। और ऐसे समय में जब कहीं पे भी गोचर खराब मिल जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये समय में बुरे मतलब कहीं ना कहीं खाने की वजह से कोई ना कोई डैमेज होने की संभावना है। बिल्कुल। तो और जो राहु शनि और केतु जो है ये हमारे कंटेमिनेटेड जो फूड और वाटर होता है उसके कारक ग्रह है। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे कोई चीज बासी हो जाती है तो वो शनि के कारण से होती है। बासी उसका जो जैसे कहते हैं ना कि जो फ्रेशनेस खत्म हो जाना, किसी की भी फ्रेशनेस जो है वो आपको सूर्य से और शुक्र से नजर आएगी कि वो कितना फ्रेश है। और अगर पानी से भरी हुई चीजें होती हैं उसमें चंद्रमा और शुक्र का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य तो ही है, सूर्य के बगैर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब वो खराब हो जाती हैं तो वो खराब होने के लिए शनि का रोल बहुत बड़ा है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस, ऐसी सभी चीजें जो फैलती हैं, जो एकदम से मास लेवल पे फैल जाती हैं, जैसे कहीं पे भी सैकड़ों लोगों को अचानक कोई चीज होती है तो वो हमेशा राहु केतु की वजह से होती है। जैसे कभी सीजन आता है कि बड़े सारे घरों में वायरल फीवर हो गया, अब वो वायरल फीवर सभी घरों में हो रहा होता है तो उसके पीछे का जो आप चाहे कारण मॉस्किटो बाइट बोलेंगे, कोई भी रीजन देंगे, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं कि सामूहिक रूप से कोई चीज फैल जाना, बहुत सारे लोगों का प्रभावित होना, वो राहु केतु जो है वो उसका कारक है। तो ये किसी भी चार्ट में इन सबको जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम चार्ट देख रहे हो, पहला लगन अपनी जो जन्म कुंडली है उसको देखें, लेकिन इसके साथ साथ गोचर और दशाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है जब हम किसी भी विषय के अंतिम उसमें हम बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि चंद्रमा, मैं ये आपको बताता हूँ, तीन से चार चार्ट ऐसे हैं जो मेरे टिप्स पे याद है मुझे, तो टिप्स पे याद है, तो चंद्रमा उनमें से दो चार्ट्स में ऐसा था कि जो चंद्रमा था वो उसके अंदर था, क्या कहते हैं, जलीय राशि में, तीनों चारों चार्ट में जलीय राशि में था, लेकिन मीन राशि में चंद्रमा मैंने देखा है दो से तीन चार्ट में। अब एक चार्ट था जिसमें मीन में नहीं था, उसमें कर्क राशि में था, लेकिन वो शनि के प्रभाव में था तो उसकी वजह से उसको वहां पे होता। अब यहाँ पे भी हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे शनि की दसवीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पूरी खुले तौर पे पड़ रही है। आप ध्यान देंगे तो बड़ी इजीली वो, हाँ, तो और वो भी तीसरे भाव में जहाँ पर आपके डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे धावा बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं हमारी, हाँ। वो हमारे वही होते हैं लिम्फेटिक नोड्स एंड वेसल्स जो होती हैं, जहाँ से ये जो होता है कोई भी कंटेमिनेटेड चीजें जो फैल जाती है हमारे शरीर के अंगों में चली जाती है, यानी कि कोई भी एक्चुअली क्या होता है शरीर में ना हमारी बोन मैरो के अंदर एक चीज होती है जो जिसे हम बी सेल और एक होते हैं टी सेल, ये दो तरीके के सेल्स होते हैं जो कभी भी कोई गलत चीज खाओ तो उसको रजिस्ट करने के लिए फटाक तेजी से पहुंचते हैं और रोकते हैं इन्वेडर को, लेकिन अगर वो कभी नहीं ऐसा कर पा रहे हैं
तो इसका मतलब वो वीक होने के कारण से वो लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है, और वो फिर रोग तब उस समय में अपने अपने को प्रभावी तौर पे हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। अब ये वक्री है शनि, यहाँ पे आप देखेंगे गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री। हाँ। पहली बात तो फोर्थ हाउस जलीय भाव खराब हो गया। हाँ। जलीय भाव में राहु मंगल की युति है, मंगल और राहु, फिर अगेन मैं बोलूंगा और जिस राशि में है मेष राशि में है, और मंगल जो है वो बड़े तेज बुखार होने पे बहुत तेज और सर पे उसका प्रभाव होगा ही होगा, यानी कि तेज बुखार होने पे, और लग्नेश रोग भाव में आ गया है और वक्री है। हाँ। वक्री है, वक्री होके वो पंचम में जा रहा है, तो पंचम में जाके वो सूर्य पे भी दृष्टि डाल रहा है, वक्री होके वो दोनों घरों पे प्रभाव है तो वो वहां पे भी दृष्टि डाल रहा है। वक्री होने के कारण इसका टाइफाइड रिलैप्स होने के भी बहुत बहुत चांसेस हुआ है, हुआ ही है जी, इस बच्चे को दोबारा रिलैप्स हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है इसको। जब भी कोई चीज होती है तो उसके पीछे लग्नेश का वक्री होना ये क्लियर है कि वो उसको जो चीज जब भी कुछ होगा जीवन में तो उसको दो बारी होगा। तो लग्नेश हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बात कर रहे थे वो वीक हो गया, और सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, और आगे देखेंगे अगर हम उसके आगे देखते हैं तो चंद्रमा चलो मित्र है, बुध भी मित्र है, लेकिन आगे फिर शुक्र है, शुक्र के आगे राहु बैठ गया, तो उसको आगे संघर्षों के कारण, उसके बाद फिर उसको आगे जब घूमेगा यानी गोचर करेगा तो पहले शनि से मुकाबला होगा, तो उसको लगातार शत्रुओं का प्रभाव झेलने के कारण सूर्य में भी वो थोड़ी सी स्थिति नहीं रहती है कि वो अच्छी स्थिति में रहे। और ये तीव्र गुस्सा आने वाले, अभी क्योंकि वैसे तो ये बहुत छोटे बच्चे का चार्ट है, कोई ज्यादा आयु नहीं है, नहीं 15 साल की बच्चे है, तो अभी 10th क्लास में है, तो लेकिन चूंकि ये मेरे जानकार है, मैं जानता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि इसको जल्दी गुस्सा आता है बच्चे को, पर ज्यादा गुस्सा भी मदर पे आता है। जो मंगल है उसकी भी अगर आप देखोगे तो मंगल कर्क राशि पे भी अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है, और गुरु भी वक्री हो रहा है। ये गुरु का वक्री होना, लेकिन अष्टम के घर में रहकर उसने वक्री होने से थोड़ी सी क्वालिटीज बदली है। अच्छा, शनि और बुध का परिवर्तन है इसमें, शनि बुध का परिवर्तन है, तो ये बच्चे के लिए एक थोड़ा सा देखा जाए तो फादर के एंगल से तो थोड़ा वीक हो गया, लेकिन बच्चे के एंगल से बेटर हो गया जी। तो ये इस चार्ट में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, सूर्य जो है हम ट्राइन में देखें तो सूर्य केतु पर शनि के ट्राइन में है, वक्री पे दसवीं दृष्टि आ रही है, और बगैर वक्री हुए चंद्रमा पे दृष्टि आ रही है जी। तो ये दोनों को दूषित कंटेम्पलेटेड कर रहा है, तो दोनों को वीक कर रहा है, दोनों को डैमेज कर रहा है, और ऐसे भी राहु ये केतु की और शनि की जो पंचम के दूसरे भाव पे है, आपने भी बताया आगे कि खाना कॉन्टामिनेटेड होने के कारण या दूषित होने के कारण दूसरे भाव उस पे शनि केतु राहु ये दूषित करते हैं, तो बुध जो है ना, बुध जो ग्रह है, ये जो हम प्रिजर्व करते हैं चीजें ना, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, वो प्रिजर्व करके रहने वाली चीजों का कारक ग्रह है। अच्छा। हाँ, वो बुध जो है उसका कारक ग्रह है, ये आपको किताबों में कुछ खा लिया होगा कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ है कि जो गंदी हाथ लगा हुआ, या वो दूषित हो चुका था या खराब हो चुका था, बच्चे ने खाया तो वो जब खा लिया तो उस समय तो समझ आता नहीं है, लेकिन वो आगे चल के ये अगर इसमें रेमेडीज के तौर पे मैंने उनको रेमेडीज में दो तीन चीजों की रेमेडी बताई थी, पहले मैंने उनको गायत्री मंत्र का जाप बताया, क्योंकि मैं इम्यूनिटी को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो इम्यूनिटी जब ठीक होती है किसी भी इंसान की तो वो तब संघर्ष करने की, रोगों से संघर्ष करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, तो मैंने उनको बोला कि आप पहले सबसे पहले गायत्री मंत्र ओपन होके करें, क्योंकि आप समय जब बच्चा बीमार था तो आप पिता से कहो कि आप सारे काम छोड़ो पहले गायत्री मंत्र करो तो उचित नहीं है, तो आप ये करें कि आप घूम रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपने मन ही मन में बगैर होठों को हिलाए गायत्री मंत्र का जाप करें, और गिनती नहीं करनी है, और ये आगे कभी भी नहीं करें, क्योंकि इस चार्ट के बेसिक करेक्टर नहीं बदलेगा, बेसिक करेक्टर को बदलने के लिए आपको उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसको भी ये आदत डाल देंगे, वो जब उसको समय मिले तो वो करें।
सेकंडली उनको मैंने ललिता सहस्र नाम का जो है पाठ करने के लिए मैंने उनको मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो चंद्रमा हमारा जैसे ही चंद्रमा होता है, वैसे तो चंद्रमा शुक्र के साथ जब भी होता है शुक्र के की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो चंद्रमा की रिफाइनमेंट करता है, उसको बेटर कर लेता है, उसको उसको अच्छा करता है, क्योंकि वो रिफाइन करने का कारक ग्रह है। तो जो भी उसके साथ होता है अगर वो वीक नहीं है, यहाँ उच्च का है तो वो उसको रिफाइन करता है। तो ये मेरे उनको दो सरल से उपाय बताए थे, बच्चा घर है ठीक है स्वस्थ है, आगे मैंने उनको बोला हुआ है कि आप थोड़ा इसको विश्राम कराएं, पूरा ये वाला महीना अभी नहीं भेजना है आपने कहीं पे भी, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो स्कूल जब खुलेंगे जुलाई में तब आप इसको। जी तो ये हमने सीखा दीपक जी के साथ एक टाइफाइड के बारे में, उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग्स के साथ साथ हमने उसके कारण देखे और उसके उपाय भी देखे, रेमेडियल मेजर्स भी देखे। तो इसके लिए दीपक जी, तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम एक नए चार्ट पे डिस्कशन करने के लिए, एक बीमारी पे डिस्कशन करने के लिए। लेकिन जाते जाते आप लोगों को सूचित करें कि हमारा कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे चालू होने वाला है 23 जून से। यदि आप पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करें या दीपक जी को लिखें और उसके बारे में सूचना जानकारी प्राप्त करें, ताकि आप भी दीपक जी जैसे एक्सपर्ट से इन सब चीजों के बारे में, इन बीमारियों के बारे में सीख सकते हैं और अपना और अपने परिवार वालों का सही पूर्वक बचाव कर सकते हैं। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। मैं एक चीज जोड़ूंगा यहाँ पे, हम अगला वीडियो जो है वो शुक्र की उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि शुक्र अगर वीक होता है तो उसको उसको ठीक करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जी तो तब तक के लिए जरूर वेट करें और अपना सजेशन, अपने सुझाव यहाँ लिखें, ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।